वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सोफिया खान अकाफिया और उनके साथ अली शेर मौजूद हैं। बातें हम करें बड़ी इंटरेस्टिंग है। ब्रेक जो है ना वो एक अच्छा टाइम होता है जिसमें हम कैचअप करते हैं आपस में, क्योंकि बड़े कम टाइम होता है कि अगर इकट्ठे हम किसी प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो बड़े अरसे बाद जब मुलाकात होती है देन वी डू अ लॉट ऑफ कैचिंग अप। फिया मुझे ये बताओ, आपने अभी एक अदील चौधरी का एक गाना था साढ़े नाल कर ले पार्टी, साढ़े नाल कर ले पार्टी कुड़ी तो लगनी है नॉट बोल। हाँ, बड़ा नोट किया मैंने, बड़ा नोट किया और मैंने नहीं सबने नोट किया। उसमें आप मेन मॉडल थी और आपकी उसमें परफॉर्मेंस थी और उसकी वजह से बड़ी हाइप मिली क्योंकि वो गाना बहुत चला। एक इंडियन मूवी में भी वो आया, आई थिंक शायद कपूर की वो मूवी थी किस्मत कनेक्शन और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा हाइप मिली। हालांकि आपने काम बहुत ज्यादा किया है, मतलब मॉडलिंग में स्टिल शूट्स आपने बहुत ज्यादा किया उसमें, लेकिन इतनी रिकॉग्नाइजेशन तो नहीं होती मतलब exactly. आम आवाम के साथ। सो डू यू फील के दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर करियर? नहीं, टर्निंग पॉइंट अभी आना है। अभी आना है? अच्छा, ओके। व्हाट हैज बीन योर बेस्ट परफॉर्मेंस टिल दिस डे, मतलब ड्रामास में या प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से? आई थिंक खुदा जमी से गया नहीं, एक ड्रामा था पीटीवी और हम टीवी के लिए, वो सेम टाइम पे आईएसपीआर की प्रोडक्शन थी, आईएसपीआर की प्रोडक्शन थी, दैट वाज वेरी क्लोज टू। क्या कैरेक्टर उसमें था? उसमें मैं एक फॉरनर होती हूँ बेसिकली। मैं पेशावर में यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और जर्मनी से ही आई होती हूँ और फिर अगवा हो जाती हूँ गलती से, सो आई स्पेंड a bit of time with the Taliban and all. अच्छा, मतलब अगवा उन्होंने किसी और को करना होता है, गलती से आपको? हाँ, गलती से हो मैं जाती हूँ और फिर मैं क्योंकि मैं पेंटर होती हूँ तो मैं गार में पेंट करती हूँ और वो मेरे ज़्यादा क्लोज इसलिए भी है बिकॉज उन दिनों में ही मेरा एक बहुत दोस्त था, क्लोज फ्रेंड था जो शहीद हो गया था सवात में और ये सारा सवात के बारे में ही था, तो वो बड़ा बेकअप के बगैर मेजर आवत किया। अच्छा मुझे ये बताओ, यू हैव गॉट अ लवली डॉटर आल्सो, आलिया? अलिया ने भी मॉडलिंग शुरू कर दी मुझे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया उसने। अच्छा। ना वो कभी ऐसा करेगी। अच्छा नहीं, वो एक शूट था मेरा ख्याल, अब मेरा और अलिया के शूट का, वो फेसबुक वाले की बात कर रहे फारूक, एकदम फेसबुक ने बहुत काम खराब किया। आपकी टेंशन भी चाहिए, स्कूल गोइंग भी होगी और उसके साथ यू आर एन एंकर ऑल्सो, यू डू ड्रामास, यू डू मॉडलिंग, यू डू स्टिल शूट्स, हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? अल्लाह के सहारे चल रहा है। अच्छा। बट आई मस्ट से मेरी अम्मी और अब्बू का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि अगर वो दोनों नहीं होते तो मेरी बेटी को संभालने वाला कोई और नहीं होता, तो वो मेरी बहुत बड़ी एक हेल्प है कि मेरी मॉम मेरी बेटी का ख्याल रखती है और फिर एक सर्टेन टाइम क्योंकि ऑफिस टाइम होता है ऑफिस के बाद फिर आई एम ऑलवेज विद हर। एंड यू मस्ट बी वेरी गुड एट टाइम मैनेजमेंट आल्सो? या अभी तक तो कभी 5-6 मिनट का फर्क पड़ जाता है, ऐसे ज्यादा नहीं पड़ता। चलो जी, कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही है? जी मैं मिसेस खालिद बात कर रही हूँ लाहौर से। मिसेस खालिद खुशामदीद जी, आया हूँ, क्या कहेंगे? शुक्रिया। अली शेर से मुझे बात करनी है कि बेटा आप अपने वीडियोस जो बना रहे हैं आप उनमें औरतों को मेहनत करते हुए दिखाएं बेटा। मेहनत करते जी, मतलब छोटे छोटे पैमाने पे मेहनत, आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से कि कोई गिफ्ट बना के उसने बच्ची ने सेल कर दिया या खवातीन अपने घर में बैठ के जो काम कर रही हैं दस्तकारी वगैरह, उनको अपने वीडियोस में दिखाएं ताकि हम अपने पाकिस्तान को कामयाब करें बेटा। बिल्कुल सही बात है, ये मुझे वाकई एक इस हवाले से मैंने भी एक छोटा सा कदम उठाया हुआ है। मैं पूरे लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान को दावत देती हूँ, मेरी आर्ट अकेडमी है सनी आर्ट अकेडमी धर्मपुरा में और मैं सबको दावत देती हूँ आके मुझसे फ्री क्लासेस ले। जी मिसेस खालिद थैंक यू वेरी मच, इन्होंने एक सजेशन दी है एंड विच इज राइटली सो के जो हमारी जितनी भी प्रोडक्शन होती हैं स्पेशली सॉन्ग्स जो कि पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, वीडियोस यूट्यूब पे भी होते हैं, उनमें हमारे सकाफत की हमारे कल्चर की हमारे लोगों की अकासी होनी चाहिए। सही बात है। सो थॉट प्रोवोकिंग, ये काफी थॉट प्रोवोकिंग है बिकॉज पहले ज्यादातर जो ट्रेंड था वो लव सॉन्ग्स की तरफ था, ठीक है ना, लड़का लड़की कोई जो केमिस्ट्री उनकी, अब उसके बाद जैसे जैसे जो मुल्क में इस वक्त सिचुएशन चल रही है तो फिर ज़रा पॉलिटिकल उस वो उस तरह के इशू बेस्ड सॉन्ग्स जो हैं वो उन पे लोगों का ज़्यादा जोर है। सही। तो एक बिल्कुल एक मेरे ख्याल में हट के एक करना पड़ेगा।
अली मुझे ये बताओ, जो आपके नाकेदीन हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं आप, वो ये कहते हैं कि अली जो है बड़ा मूडी लड़का है, और जब इसका मूड होता है तो काम करता है, जब नहीं होता तो फिर कई अरसे के लिए गायब हो जाता है। कभी इसका मूड म्यूजिक से भर जाता है तो एक्टिंग शुरू कर देता है, एक्टिंग से भर जाता है तो फिर म्यूजिक करता है, फिर म्यूजिक से तंग आके फिर मैं हंस सकती हूँ ना। इज दैट, हाउ डू यू डिफेंड दैट? मैं इसको डिफेंड क्या करना है, मैं म्यूजिक मैंने कभी भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना। म्यूजिक शायद लोगों को ये आइडिया होता है कि जब जब तक आपका आप टीवी पे नहीं आ रहे या वीडियो नहीं आप कर रहे तो उस वक्त आप म्यूजिक नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो मैं उस वक्त भी मैं हर वक्त म्यूजिक ही कर रहा होता हूँ, और मेरा म्यूजिक से कभी भी दिल नहीं भरा कि मैं उसको छोड़ के तो मैं एक्टिंग कर लूँ। तो एक्टिंग जो है वो एक एक होता ना कि हर आदमी को शौक होता है, अच्छा तो उसी तरह हीरो बनने का सबको शौक होता है, आपको भी तो है। वो एक कुछ इस तरह का सिलसिला बना था कि वो मेरा भाई ही वाज प्रोड्यूसिंग अ प्ले, तो उसने मुझसे कहा, तो मैंने कहा आइडिया अच्छा है, तो वो मैंने उसमें किया और वो मुझे अच्छा लगा। वो टीम बहुत अच्छी थी, सारे लोग बड़े